हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेडवे ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा किसी भी बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे आंसर करना है जिससे आप स्कोर कर पाएँ और आंसर कितने शब्दों में देना चाहिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो एग्ज़ाम के पर्पज़ में डाला हुआ है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे पेन का उपयोग करना चाहिए और किस प्रकार के पेन आप एग्ज़ाम में ले जाएंगे तो आप काफ़ी फास्ट और अच्छे से लिख पाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि आंसर शीट पर आंसर की शुरुआत कैसे करते हैं और किस तरह से आंसर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आलोक सर, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हेडवे ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे मैं और भी एग्ज़ाम के पर्पज़ में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। आप भी अगर बोर्ड क्लास में हैं और बोर्ड की तैयारी में जुटे हुए हैं तो छोटी छोटी ट्रिक्स और टिप्स को अपना कर अच्छे स्कोर कर सकते हैं और टॉप 10 में भी आ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी पेपर में कुछ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ उचित संबंध जोड़िए, मैच द कॉलम, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको मिलते हैं, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, तो ये जब चार ऑप्शन मिलेंगे, कुछ बच्चे सीधा ये करते हैं कि उत्तर क्रमांक एक लिख के इसको लिख देंगे और सीधा सीधा इसका आंसर दे देते हैं। इसमें कभी कभी एग्जामिनर को कंफ्यूजन हो जाता है, तो देखते हैं आपको आंसर कैसे देना है। इसी प्रकार इसमें तो फिल इन द ब्लैंक्स देता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी कुछ बच्चों का आदत होता है कि डायरेक्ट आप आंसर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसका आंसर आप डायरेक्ट यहाँ पर पहला नंबर डाल के आंसर, सेकंड नंबर डाल के आंसर, उसमें भी कभी कभी एग्जामिनर को कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार देखिए यहाँ पर ये है आपका मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में दो यहाँ पर कॉलम दिखते हैं, एक का और खा। इसमें आपको मिलाना नहीं होता है, आपको करना ये है कि का कॉलम को आप पूरा लिख लीजिए और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर लिखिए आंसर, यहाँ पर पूरा आप राइट आंसर लिख दीजिए, आपको आपका नंबर कभी भी नहीं कटने वाला है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो ये पर पहला क्वेश्चन था, तो आपको इस प्रकार लिखना है उत्तर क्रमांक एक यहाँ पर, उसके बाद लिखिए आ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको उस क्वेश्चन को पहले लिखना है। पहला नंबर क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, क्वेश्चन को पूरा लिख दीजिए जिससे एग्जामिनर एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका नंबर कभी नहीं कटेगा। उत्तर लिखिए और वो ऑप्शन था सी, तो आपको यहाँ पर ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ऑप्शन सी। उसके बाद आप उसको ये राइट आंसर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर एक लाइन छोड़िएगा, फिर सेकंड चालू करिए। जैसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को निम्न अनुसार व्यवस्थित किया गया है, चार ऑप्शन थे उसमें से बी आंसर सही है, तो उत्तर करके बी लिखिए और उस ऑप्शन को पूरी तरह से यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल मैंने दे दिया। उसके बाद आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए क्वेश्चन, उसमें आपको ये आंसर डायरेक्ट नहीं लिखना है, उसमें आप गलत हो सकते हैं। उसमें आपको करना है कि पूरा आप उसको लिखिए, उस स्टेटमेंट को लिखिए और जो आप यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वहाँ पर आप नीचे लाइन खींच दीजिए, आप समझ जाएगा कि यही आपका ब्लैंक था। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर आप लिखा हुआ देखिए। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया था, तो अर्नेस्ट हैकल यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स था, तो यहाँ पर लाइन खींच के आप लिख देंगे, वो समझ जाएगा। उसके बाद देखिए उचित संबंध जोड़िए में आपको करना है कि का कॉलम डाल के इधर उसका जो कॉलम को पूरा लिखिए, इधर आपका राइट आंसर लिखते चलिए, नाभिकीय ऊर्जा का यूरेनियम, उष्मा का कुछ अलग का लकड़ी, इस प्रकार आप राइट आंसर लिख दिए, आपके नंबर कभी भी नहीं कटेंगे। आप ये कर सकते हैं, इसमें एक एक लाइन छोड़ सकते हैं बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। चलिए आगे देखते हैं उत्तर आपको किस प्रकार देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर टू अगर है तो यहाँ पर आंसर उत्तर क्रमांक दो करके आप लिखेंगे, नीचे यहाँ पर उत्तर लिखेंगे और उस उत्तर को आप यहाँ पर से लिखना चालू करेंगे। जो आपको पूछा जाए आप वही लिखिए, अननेसेसरी आपको किसी प्रकार का कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए उत्तर क्रमांक दो के नीचे मैंने दो लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन आपको खींच दीजिएगा ताकि आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ अट्रैक्टिव लगता है। देखिए उत्तर क्रमांक दो, उसके बाद उत्तर क्रमांक तीन, फिर मैंने आंसर लिखा हुआ, उसके बाद उत्तर क्रमांक चार, इस प्रकार आप लाइन से सीरियल वाइज आप आंसर देते जाइएगा और अक्षर आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए। इससे एग्जामिनर के माइंड में एक पॉजिटिव थिंकिंग आता है, आपके नंबर अच्छे आएंगे। आप कोशिश करिए कि ज़्यादा काट फिट आप ना करें। चले मैं आपको कुछ टॉप 10 टिप्स दे देता हूँ जो आपके एग्जाम में काफ़ी काम आने वाले हैं। इसमें मैं आपको कुछ टॉपर्स के कुछ पेपर्स दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने किस प्रकार लिखा है और अच्छे स्कोर किए हैं, आप भी उसको फॉलो करके अच्छे स्कोर कर सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं टॉप में आना तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। देखिए टिप्स नंबर पहला,
सबसे पहले आंसर शीट पर आप कोशिश करिए कि आंसर को सीरियल वाइज ही आपको देना है। आप ऐसा नहीं करना है कि पहला आंसर देने के बाद आपको तीसरा पहला आंसर देने के बाद आपको दूसरा तीसरा चौथा आपको याद नहीं आ रहा था, आप दसवां नंबर का दे रहे हैं। इससे जो एग्जामिनर होता है उसके मन में नेगेटिव थिंकिंग आता है और आपके नंबर कट सकते हैं। तो इस बात को याद रखिए, आपको करना है कि 2, 3, 4, 5 आप सीरियल वाइज देते जाइए। यदि आपको आंसर नहीं आ रहे हैं तो आपको करना ये है कि उसमें लाइन छोड़ दीजिए, आप लास्ट में लिख लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि आपको आंसर सीरियल वाइज ही देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टिप्स देखिए, टिप्स नंबर 2, प्रश्न पेपर को सॉल्व करने से पहले आपको पेपर को एक बार शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ना है। आपको बोर्ड समय देता है कि आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, आपको 10 से 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, आप उसको कुछ देर पढ़ने के लिए आपको समय मिलेगा ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे और क्वेश्चन में आपका माइंड स्टेबल हो जाए कि मुझे ये क्वेश्चन करने हैं। खासकर और वाले क्वेश्चन में आपको तकलीफ होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको और वाले क्वेश्चन में से दोनों में से नीचे वाला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आ रहा है, आपने हड़बड़ी में ऊपर वाला लिख लिया है, बाद में आपको पछतावा होता है कि काश मैं नीचे वाला लिखा रहता, आपके पास वहाँ पर समय नहीं रहता। तो क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ लीजिएगा, ये भी काफ़ी यूजफुल होने वाला है। देखिए टिप्स नंबर 3, देखिए टू दी पॉइंट आपको आंसर देने हैं, अननेसेसरी थिंक आपको नहीं लिखने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 ही डिफरेंस लिखने हैं, उसमें कुछ शब्द सीमाएं दी रहती है, वर्ड लिमिट दी रहते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। आपको छोटा सा 3 नंबर का क्वेश्चन आप 4 पेजेस आंसर 2 पेजेस आंसर नहीं लिखने हैं, इससे आपका समय भी जाएगा और जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि आपने आंसर टू दी पॉइंट नहीं लिखे हैं, आपने आंसर कहीं ना कहीं अपने मन से लिखा है, तो उसमें आपके नंबर कट सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स देखिए, कोशिश करें कि कहीं भी आपके आंसर शीट पे काट छाट ना हो, फिर भी कहीं कहीं हड़बड़ी में कभी कभी हम गलती कर जाते हैं, तो आप उसको बिल्कुल एक लाइन से काट दीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो बच्चा है इन्होंने एक लाइन से काटा है, तो इसमें किसी प्रकार का खराब नहीं दिख रहा है और इन्होंने आंसर आगे शुरू कर दिया है। तो आपको भी इसी प्रकार अगर कहीं पर काट छाट हो गया तो एक लाइन से काटना है, पूरी तरह से ऐसे एक घुमा के या काफ़ी पेन को चला के इस प्रकार नहीं काटना है, इससे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट जाता है, ठीक है। टिप नंबर 5 देखिए टिप नंबर 5, उत्तर क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित करें। यदि आपने उत्तर क्रमांक अंकित नहीं किया है और आपने कितना भी अच्छा आंसर लिखा है तो भी आपका एग्जामिनर उसको इवैल्यूएट नहीं करेगा और आपका आपको उसके स्कोर नहीं मिलेंगे, आप पछताएंगे। आप करें ये कि आप उत्तर क्रमांक बिल्कुल लिखते चलिए और लास्ट में अपने आंसर शीट के ऊपर फिर से चेक कर लीजिए कि आपने उत्तर क्रमांक प्रॉपरली लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। उत्तर क्रमांक काफ़ी अनिवार्य होता है, देखिए इसमें उत्तर क्रमांक 2, उत्तर क्रमांक 3 ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको भी इस प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट भी कर दीजिए ताकि यह स्पष्ट रूप से क्वेश्चन चेक करने वाले को स्पष्ट रूप से दिखे कि किस नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। टिप नंबर 6, यदि अथवा वाला क्वेश्चन और वाले क्वेश्चन, खासकर बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें और वाले क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है, दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन बनाना है, तो जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं, जिस क्वेश्चन का आप आंसर करना चाहते हैं, तो उस क्वेश्चन का कुछ भाग आप लिख दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि एक ही चैप्टर के 2 क्वेश्चन आपको और करके देते हैं और दोनों क्वेश्चन का जो वर्ड्स होते हैं काफ़ी सिमिलर होते हैं, उसका आंसर लगभग सिमिलर होते हैं, थोड़ा ही डिफरेंस होता है, तो इवोल्यूटर जो जांच करता है उसको समझ नहीं आता है कि इसने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है और आपके नंबर कट सकते हैं। उससे अच्छा आप एक काम करिए, सावधानी बरतिए और उस क्वेश्चन के थोड़ा एक आध लाइन को आप लिख दीजिए जिससे, और डॉट 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 कर दीजिए आगे, जिससे जो जांच करता है वो समझ जाए, उसके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। देखिए टिप नंबर 7, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनका जो वर्ड लिमिट होता है वो कुछ ज़्यादा होता है, आपका एक पेज में नहीं आता है तो आप आने वाले पेजेस में लिखते हैं, तो देखिए आपको अगर आपका जो आंसर वो एक पेज में ना आए और उस आंसर को आप कंटिन्यू कर रहे हैं अगले पेज में, तो अनिवार्य रूप से आपको बता देता हूं आपको PTO यहां पर लिखना है। ये टॉपर का आंसर शीट है, देखिए यहां पर एक मेथड होता है, खासकर अच्छे बच्चे इसमें लिखते हैं, मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, मैं आपको बता देता हूं कि आपको यहां पर PTO लिखना है ताकि एग्जामिनर के माइंड में आ जाए कि आंसर आगे कंटिन्यू है, वह बिल्कुल उसको देखेगा। यदि आपने यह नहीं लिखा है तो कभी कभी उनमें कंफ्यूजन हो जाता है और आपके नंबर कट जाएंगे। यदि आपने इधर 2 पॉइंट लिखा है उधर 4 पॉइंट लिखा है तो 2 ही पॉइंट के नंबर मिलेंगे, 4 पॉइंट के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो इससे आपको लॉस होगा। तो अनिवार्य रूप से इस प्रकार PTO आप लिख दें,
ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन उनके माइंड में ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टिप नंबर 8, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी में यदि आंसर शीट में केवल 4 या 5 लाइन बचा है तो किसी भी आंसर का शुरुआत आप वहां से ना करें, आप ले लीजिए नेक्स्ट पेज। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ पेजेस बचे हुए हैं और ये जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर का है, तो यहाँ पर पीटीओ लिख दिया गया है और यहाँ पर से आंसर को खत्म करके यहाँ से आंसर शुरू कर दिया है। आप यहाँ से आंसर शुरू मत करिएगा, इससे नेगेटिव इफेक्ट जाते हैं, कभी कभी नंबर कट जाते हैं। चलिए छोड़ दीजिएगा इस पेज को, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास पेज की कमी वहाँ पर नहीं रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर से आप शुरू कर सकते हैं नया पेज, फ्रेश पेज आप लीजिए, खासकर बड़े क्वेश्चन में। आप यहाँ पर छोटा अगर क्वेश्चन का आंसर रहता, जैसे वेरी शॉर्ट आंसर रहता, तो आप यहाँ पर लिख सकते थे, प्रीफर कर सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पर बड़े क्वेश्चन का आंसर लिखना तो नया पेज ही उठाइए। ठीक है, नेक्स्ट टिप देखिए टिप नंबर 9, नेक्स्ट टिप देखिए, पेपर खत्म करने के बाद समय 10 मिनट जरूर बचाएं। नेक्स्ट टिप देखिए टिप नंबर 9, पेपर आपको 10 मिनट पहले ही खत्म करना है। आप माइंड सेट करके जाइए, अपना घड़ी सेट करके जाइए कि आपको 10 मिनट पहले पेपर कंप्लीट कर लेना है, ताकि आप एक बार फिर से अपनी नज़र क्वेश्चन पेपर पर घुमा सकें और अपने आंसर्स को मिला सकें, कहीं आपने कोई आंसर छोड़ा तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम हड़बड़ी में कोई आंसर छोड़ देते हैं और घर आके काफ़ी पछताते हैं कि मुझे आंसर आता था और मैंने छोड़ दिया है, तो एक नंबर आधे नंबर के लिए आप टॉप 10 से चूक जाते हैं या फिर ज़िंदगी भर पछताते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप 10 मिनट बचाइए, इत्मीनान से उस पेपर को फिर से 10 मिनट में आप देखिए, कहीं पर एक आध आंसर अगर छूट गया है तो 10 मिनट काफ़ी समय होता है, आप उसके आंसर कर सकते हैं आपको यदि याद है तो। चलिए नेक्स्ट और लास्ट टिप देखते हैं, जितना पूछा गया है उतना ही आपको आंसर देना है। आपको घुमा फिरा के और काफ़ी लंबा चौड़ा फेंक के आपको नहीं लिखना है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखना है आपको। अगर देखो यहाँ पर 4 डिफरेंस दिए हैं तो 4 ही डिफरेंस लिखने हैं आपको, बिल्कुल यहाँ पर से 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर 7 लिखे 8 लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर को आपके टॉप 4 ही वो चेक करेगा। ठीक है, आप लॉन्ग आंसर भी लिख रहे हैं तो 2D पॉइंट लिखे, 6 मार्क का आया है तो आपको 6 उसके पॉइंट्स लिख दीजिए। और एक बात याद रखिए कि आंसर को, लॉन्ग आंसर को खासकर 2D पॉइंट आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, आप उसको एकदम ऐसे टाइप का मत लिखिए। हमारे जो बोर्ड के चेक करने वाले होते हैं, जो पॉइंट वाले जो आंसर होते हैं उनमें ज़्यादा स्कोर वो देते हैं, नंबर देते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप पॉइंट्स में आंसर दें, जिससे वो आंसर सटीक लगता है और काफ़ी अच्छा दिखता भी है और आपको नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, इन टिप्स को फॉलो कीजिए और काफ़ी अच्छे मार्क आप एग्ज़ाम में ला सकते हैं। ये जितने भी आपको मैंने पेपर दिखाए सभी और टॉपर्स के आंसर शीट्स थे उन्होंने बिल्कुल 100% जो नंबर हैं वो स्कोर किए हैं, 75/75, 100/100 ऐसे आंसर शीट थे, जिसमें आप भी ऐसे ही आंसर अपने एग्जाम में दीजिए और इन टिप्स को फॉलो कीजिए। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि किस प्रकार आपको बोर्ड में आंसर करने हैं। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में मैं सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करने वाला हूँ कि आपको साइंस में किस प्रकार का आंसर करना है, डायग्राम कैसे बनाना है, क्योंकि आप भी उसमें गलती कर देते हैं आपके नंबर कट जाते हैं, SST में कैसे करना है, मैथ्स में कैसे आपको आंसर करने हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।